नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन प्रतापगढ़ में उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करती अपना दल एस राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल क्या कहा उन्होंने देखे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से रमाशंकर पटेल की रिपोर्ट। अलग अलग विभाग की, रेलवे, बैंक, सबकी, और सब बच्चे उसमें बैठते हैं। जो हमारी संघ लोक सेवा आयोग की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS वाली जो परीक्षा होती है उसमें भी बच्चे बैठते हैं। एक नई सी बात निकल के आई है। क्या निकल के आई है? बहुत बड़ी विसंगति हो रही है। क्या विसंगति हो रही है कि हमारे राज्यों की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यहां तक कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा का इस बार जब नतीजे आए तो अखबारों में ये बात निकल के आई कि UPSC की परीक्षा भी इससे बची नहीं हुई है। और क्या है दिक्कत? दिक्कत ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य जाति के अभ्यर्थियों से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं। तो क्या ये विसंगति नहीं है? एक ही परीक्षा में मैं बैठूं, एक ही परीक्षा में आप बैठो, मैं उस परीक्षा को पास करने के लिए 50 नंबर लाऊं और आप उस परीक्षा को पास करने के लिए 40 नंबर लाएं, तो ये तो अन्याय है। और ये विसंगति समय के साथ विकसित हो गई है। राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में और यहाँ तक कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में तो हम इस बात को भी मजबूती से कह रहे हैं कि कट ऑफ अंकों को लेकर जो ये विसंगति विकसित हुई है, भारत सरकार उसमें इंटरवीन करे, उसमें हस्तक्षेप करे, स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें हस्तक्षेप करे और इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर करके जो हमारे SC ST OBC के, यानी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। तो ये तमाम विषय हैं जो अपना दल निरंतर उठा रहा है। आज मैं और ज़्यादा विषयों की बात नहीं करूँगी, मैं ये कुछ 3-4 बातें आपसे कहकर जाना चाहती हूँ। एक अंतिम विषय ज़रूर कहूँगी और वो अंतिम विषय आप सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और स्वस्थ भारत होगा तो सशक्त भारत होगा। और मैं तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी भारत सरकार में रही हूँ, इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि हमने पिछला पूरा एक वर्ष कोरोना महामारी को झेला, सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हिल गए। और सारे देशों में ये चर्चा होती थी कि भारत क्या करेगा, इतनी बड़ी आबादी 130 करोड़, अभी उसके भी आगे निकल गया 35-36 जाने कितना हो गया, तो बाकी सारे देशों की तो छोटी छोटी आबादी है, हम तो कई देशों के बराबर आबादी रखते हैं अपने देश में। और ये कॉन्टैक्ट से फैल रहा था कोरोना, तो दुनिया के तमाम देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चाएं हो रही थी कि भारत क्या करेगा। लेकिन हमने सारी चर्चाओं पे पूर्ण विराम लगाया। भारत ने साबित किया कि हमने दुनिया के तमाम देशों की अपेक्षा, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, पश्चिमी देश, तमाम यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, सबको पीछे छोड़ के हमारे यहां रिकवरी रेट सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा मरीज ठीक भी हुए उसमें भी हम अव्वल, और मोर्टैलिटी सबसे कम, यानी मरने वालों की संख्या भी सबसे कम पूरे दुनिया में। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतना नज़दीक लोग रहते हैं, उसके बाद भी हमने कोरोना जैसी महामारी से निपटने में सारे देशों को पीछे छोड़ दिया।
और फिर हमने अपने देश के अंदर दो स्वदेशी वैक्सीन भी बनाए, टीका बनाया। 16 जनवरी से आप जानते हैं टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने घोषणा। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।